हेलो एवरीवन, आप सबका इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो सारे रिटेल स्टोर्स के दोस्तों के लिए जो नया स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, नया स्टोर जब स्टार्ट करते हैं तो आपको ड्रग लाइसेंस तक की तो प्रोसीजर मालूम है, अपने मेडिकल स्टोर्स का पूरा सेटअप कर दिया, फिर ड्रग लाइसेंस भी आ गया। इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप है इन्वेंटरी, कौन कौन से मेडिसिन रखने वाले, तो उसमें कितने कितने मेडिसिन आते हैं। एक तो एलोपैथिक आता है, FMCG आता है, फिर होम्योपैथिक आता है, फिर आयुर्वेदिक आता है, फिर सर्जिकल आइटम्स भी आते हैं, पेट केयर भी आप रख सकते हैं, और उसके बाद आता है जेनरिक्स। अब जेनरिक्स में सबसे ज़्यादा मार्जिन है, ये तो आप सभी को मालूम है, लेकिन जेनरिक में मार्जिन तो है लेकिन कौन से प्रोडक्ट रखने चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास कोई कस्टमर है, उसकी डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आपके पास वो जेनरिक का ब्रांड नहीं है, मान लीजिए ओमी नाम का कैप्सूल बहुत अच्छा जाता है और किसी ने बोल दिया कि ओमी 10 रुपए के दीजिए या फिर एक स्ट्रिप दीजिए, और आपके पास वो नहीं है, तो वो बोलेगा कि एटलीस्ट जेनरिक का आपके पास नहीं है तो इतना बड़ा कस्टमर आपसे हाथ से छूट जाएगा। तो इसके लिए जो ब्रांड्स जेनरिक में चलते हैं वो आपके पास होने बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो ब्रांड्स बताऊंगा जो आप कस्टमर आपसे मांगेंगे कि इस नाम के ब्रांड आपके पास है क्या। तो मोस्ट रनिंग जेनरिक ब्रांड्स जो आपके मेडिकल स्टोर में, नए नए बनाए मेडिकल स्टोर में आप रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे तो अगर उनको बोलोगे कि नया मेडिकल स्टोर डाला है तो आप जेनरिक मेडिसिन आप मुझे दीजिए, तो वो बहुत कुछ भी दे देगा, ठीक है, मतलब उसके स्टोर में जितनी वो दे देगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके यहाँ पे डिमांडेड होगी नहीं होगी, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन कुछ डिमांडेड मेडिसिन है जो बहुत अच्छी जाती है, इवन वो जेनरिक्स हो, तो वो मेडिसिन आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक ब्रांड मैं बताऊंगा, साथ में उसका इंडिकेशन बताने की कोशिश करूंगा, कंपनी भी बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टैबलेट एंड कैप्सूल ये फॉर्मुलेशन बताता हूँ। कुल मिला के मैंने चार यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज की मेडिसिन में बताऊंगा, टैबलेट कैप्सूल ये फॉर्मुलेशन, फिर क्रीम्स ऑइंटमेंट ये, फिर ड्रॉप्स और उसके बाद सिरप, ये बताऊंगा। तो पहले टैबलेट एंड कैप्सूल से स्टार्ट करते हैं। कुछ ब्रांड्स से जो बहुत अच्छे चलते और उसमें से लुपिन कंपनी सबसे ज़्यादा जाते हैं, लुपिन, सिप्ला, अल्केम, सन फार्मा, जाइडस कैडिला, ये कंपनी के ब्रांड सबसे ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, उसमें से और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। तो लुपिन कंपनी का सबसे मोस्टली रनिंग जेनरिक में ब्रांड है SMEs। अब SMEs में तीन रेंजेस है, कोई और भी आते होंगे लेकिन ज़्यादा चलने वाली है SMEs प्लस, उसके बाद SMEs MR और उसके बाद SMEs S। अब SMEs प्लस में है एसिक्लोफेनाकिन पैरासिटामोल जो नॉर्मल पेन किलर है, उसके बाद SMEs MR हायर पेन किलर, ठीक है, चमक बैठ गई तो उसके लिए, उसके बाद नेक्स्ट है SMEs S स्वेलिंग के लिए यूज़ होता है, एसिक्लोफेनाक पैरासिटामोल प्लस सेराशोपेप्टिड S। उसके बाद नेक्स्ट है निसिप ब्रांड, निसिप ये सिप्ला का सबसे मोस्ट रनिंग ब्रांड है, निसिप में बहुत सारे रेंजेस है। सो पहले तो प्लेन निसिप आता है, प्लेन निमेसुलाइड आता है, इसके बाद निसिप प्लस, निमेसुलाइड प्लस पैरासिटामोल, इसके बाद निसिप MR, निमेसुलाइड में क्लोराक्सैक्सोन कॉम्बिनेशन मसल रिलैक्सेंट, उसके बाद निसिप कोल्ड एंड फ्लू। ये इसमें से ही सिप्ला में और एक ब्रांड रनिंग है, वो है चेस्टॉन कोल्ड। अब चेस्टॉन कोल्ड में सबसे ज़्यादा जाने वाला चेस्टॉन कोल्ड प्लेन है, चेस्टॉन कोल्ड टोटल टैबलेट है, उसमें सिरप भी आता है, ठीक है। तो ये कुल मिला के चेस्टॉन कोल्ड ब्रांड के सारे रेंज आपने आपको रखने। उसके बाद बिसुल नाम का कैप्सूल है जो बिकासुल जैसा ही है सेम, तो ये भी आप रख सकते हैं, इसके रिजल्ट अच्छे। इसके बाद विटाफॉल जो फॉलिक एसिड टैबलेट आती है वो, उसके बाद साइप्रोहेप्टाडिन का टैबलेट आता है जो भूख नहीं लगती ना जिन लोगों को, वो टैबलेट ये लेते हैं, साइप्रोहेप्टाडिन का सिरप आपको मालूम होगा, तो उसमें ही टैबलेट आती है ये, साइप्रोहेप्टाडिन नाम से ही आती है, ठीक है, ये आप रख सकते हैं। इसके बाद एंटासिड में पेंटोसिक नाम का ब्रांड सबसे ज़्यादा जाता है सिप्ला का, उसमें से पेंटोसिक 40 है, पेंटोसिक DSR सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन ये आता है। राबेप्राजोल, राबेप्राजोल में राबिसेक ये ब्रांड है, राबिसेक DSR ये सबसे ज़्यादा चलने वाला सिप्ला का ब्रांड है। इसके बाद इंटाजेसिक MR इंटास कंपनी का आता है। इसके बाद मोनास्टेलसी, अब देखिए नॉर्मल कोल्ड कप में मोनास्टेलसी, लिवोसिट्रिजिन एंड मोंटेलुकास्ट ये ब्रांड मोनास्टेलसी आपको रखना, ये शायद MQR कंपनी का। इसके बाद कैल्शियम में सबसे ज़्यादा जाने वाला सिपकेल, कैल्शियम प्लस विटामिन D3। इसके बाद सिपिक्जिम में एक ब्रांड है जो स्टैंडर्ड में था एबॉट का, वो जेनरिक में आ गया, बहुत अच्छी रिजल्ट है वो, ओमनेटेक्स ओ नाम से आता है लेकिन ये शेड्यूल मेडिसिन है। अब देखिए जो भी मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ ना,
ये जब शेड्यूल मेडिसिन है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं देने, जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं नॉन शेड्यूल है ये आप डायरेक्टली दे सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चलने वाले ब्रांड्स है। इवन डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं ये ब्रांड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है अल्मोक्स अमोक्सिसिलिन, ये आपको 500 में रखने 250 में भी आता है। इसके बाद एम्पीक्लॉक्स एमोक्सिसिलिन क्लॉक्सिसिलिन ये कॉम्बिनेशन में। इसके बाद एजिथ्रोमाइसिन में सबसे ज़्यादा जाने वाला एजिसिप ब्रांड है, ये सिप्ला का है 250 एंड 500 दोनों रेंज रखे हैं। इसके बाद वेपो कैप है जो सर्दी में गर्म पानी में डाल के लेते हैं ना, वो इजी ब्रीथ नाम का सिप्ला का सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग ये अपन रख सकते हैं। इसके बाद सिपिक्जिम में सिपिक्स नाम का ब्रांड है सिप्ला का, ये एक रखिए। इसके बाद एंटी स्पास्मोडिक पेट दर्द में स्पास्मोनिल नाम का ब्रांड है, साइक्लोपाम जैसे जो स्टैंडर्ड में आता है वैसे ही ये आप रख सकते हैं। इसके बाद कैमोराल फोर्ट जो कैमोथाल फोर्ट है एक्चुअली, वो कैमोराल फोर्ट जो है ना सन फार्मा का ट्रिप्सिन कैमोट्रिप्सिन उसकी ही जैसा सेम पैकिंग है सेम मॉलिक्यूल है रिजल्ट भी अच्छे है, कैमोथाल फोर्ट ये रख सकते हैं। इसके बाद क्लोराम फेनिकॉल की आई एप्लीकेप ये आती है। इसके बाद सिपजॉक्स नाम का टैबलेट है ये आप रख सकते हैं। इसके बाद मोस्टली रनिंग ब्रांड सर्दी के लिए कौन सा है ऑल ओवर द इंडिया, ओका सेट सिप्ला का सेट्रिजिन ये रख सकते हैं। ओका सेट एल भी आ गया ये भी आप रख सकते हैं। उसके बाद ओमी ओमी डी ये कॉम्बिनेशन एंटासिड में सबसे ज़्यादा हर एक काउंटर में जाएगा, हर एक काउंटर में आपको आपने ओमी के बॉक्सेस देखे हुए हैं, लोग स्ट्रिप्स लेके जाते तो ये ब्रांड बहुत ही अच्छे हैं, ये आपको रखना ही पड़ेगा। इसके बाद एम्लिप 5 एम्लिप 80 एम्लिप 2.5 ये रेंज है ये आप रख सकते हैं। इसके बाद मल्टीविटामिन में मैक्सीरिच कैप्सूल ये आप रखिए। इसके बाद नॉरफ्लोक्सासिन टिनिडाजोल डिसेंट्री डायरिया में यूज़ होता है वो है नॉर्टीजे टैबलेट। इसके बाद डिलवासा टैबलेट है ये आप रख सकते हैं। फिर एमसी क्लियर मेंस्ट्रुअल इश्यूज जो आते हैं ना तो उसके लिए आयुर्वेदिक टैबलेट है एमसी क्लियर ये आप रख सकते हैं। इसके बाद मालाडी एंटी कॉन्ट्रासेप्टिवस है ये आप रखिए। लोमोफेन नाम का ब्रांड है, लोमोटील जैसा है ना स्टैंडर्ड में उसके जैसा लोमोफेन सेम पैकिंग है ये आप रखिए, रिजल्ट अच्छे इसके। प्राइमोल्यूट एन है इसके, प्रीमोंट एन जो स्टैंडर्ड में आता है उसके जैसा ये भी ब्रांड है। अब ये तो मैंने टैबलेट्स के बारे में कवर किया, अब मैं आपको कुछ ओटीसी प्रोडक्ट है जैसे ग्लूकोज डी आप रख सके। ग्लूकोज डी में अलग अलग फ्लेवर है लाइक ओरिजिनल है, इसके बाद ऑरेंज है, लिंबू पानी है ये आप रख सकते हैं। इसके बाद ओआरएस की पाउडर है, ओआरएस के टेट्रापैक भी है ये रखिए। अब शैम्पूज या सोप में केटोकेम नाम का एक अच्छा ब्रांड है ये आप रख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्रीम्स में या ऑइंटमेंट्स में। अब इस सेगमेंट में पहला है सिप्लाडिन जो बर्न्स हो गए, मतलब अब जैसे बर्नॉल यूज़ होता है ना ठीक है, तो वैसे ही सिप्लाडिन पोइडिन आयोडिन ऑइंटमेंट है। इसके बाद क्लोबेट जीएम एंटी फंगल है। इसके बाद डर्मी फाइव ये भी अच्छा है। इसके बाद मुंह के छाले आते हैं उसके लिए स्माइलो जेल स्माइलो सिटी जेल ये रख सकते हैं। क्लिनसी टॉप जेल है जो एक्ने के लिए आता है, जैसे इरिटॉफ है ना स्टैंडर्ड का तो वैसे ही है। इसके बाद मेलामिड क्रीम है जो जो स्पॉट आते हैं ना मुंह पे, मतलब स्पेशली लेडीज यूज़ करते हैं ये आप रख सकते हैं। इसके बाद नो स्कार क्रीम है स्कार्स के लिए। इसके बाद इलोसोन एचटी लिपोर्ट का ब्रांड है ये भी अच्छा जाता है। इसके बाद डर्मिकेम ओसी ये रखिए। फिर फोर डर्म क्रीम है ये अच्छी चलती है। उसके बाद कैस्टर एनएम क्रीम है ये चलती है, झोल एफ है ये चलती है, ये एंटी फंगल है। आपको इंडिकेशन वाइज आपको यहाँ पे कौन सा चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपको कस्टमर को देना है ठीक है। इसके बाद ईच क्रीम है ईचिंग जैसे ईच गार्ड वैसे ही सेम ठीक है। उसके बाद ओमनी जेल है, ओमनी जेल ये सबसे ज़्यादा जाने वाला पेन किलर जेल है जेनरिक्स में सिप्ला कंपनी का, ये भी 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम तक आता है। तो अब इसके बाद बर्न हिल है बर्नॉल जैसे, ये हो गया क्रीम। अब मैं बताता हूँ ड्रॉप्स में क्या रखना है। इसमें सिप्लॉक्स नाम का ड्रॉप आता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन में, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एग्जाम है तो सुनो सिप्लॉक्स डी। अब सिप्लॉक्स के बाद सोलर वैक्स में जैसे सोली वैक्स है कान का ड्रॉप है ना, जैसे वैक्स जमा होता है ना कान में तो उसके लिए सोलर वैक्स ये ड्रॉप आता है। टोब्रा डी टोब्रामाइसिन ये रख सकते हैं। इसके बाद अब सिरप की बात करेंगे, सिरप में हंगरी नाम का सिरप सबसे अच्छा जाता है जो साइप्रोपेप्टाइडिन है भूख लगने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद ओफ्लॉक्स ओजेड सिरप है जो स्टैंडर्ड का है वो जेनरिक में आ गया सिरप में, शायद टैबलेट अभी भी स्टैंडर्ड में ही है लेकिन इसका सिरप जेनरिक में आ गया। इसके बाद अल्कोप नाम का सिरप है, अल्कोप ऑरेंज है, अल्कोप डी है
ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग है, अल्कोप अगर ऑरेंज है तो वो कप के लिए अल्कोप, मतलब कप जो वेट कप होता है उसके लिए, ड्राई कप के लिए अल्कोप ये अल्कोप डी है, ठीक है। इसके बाद रेक्सकॉप डी है, रेक्सकॉप डी एक्स सिरप है, इसके बाद वेंटोरेंस डी एक्स सिरप है। तो कुल मिला के ये सारे फॉर्मुलेशन है, मैंने ये नॉर्मली फॉर्मुलेशन बताया। देखिए ये आपको रखने ही है आपके मेडिकल स्टोर पर। तो अगर आपको सारी इन्वेंटरी चाहिए मेडिकल स्टोर में, कौन कौन से मेडिसिन रखने हैं, राइट फ्रॉम एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जेनरिक, सर्जिकल्स, इसके बाद होम्योपैथिक, कौन सी कंपनी है, इंडिकेशन वाइज उसकी एमआरपी, इसके मतलब सारी चीज़ें इन डेप्थ चाहिए, एक्सेल शीट में पूरी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए ना, तो आपको हमारा जो वर्कशॉप है अपकमिंग 3 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो वो ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे पूरी नॉलेज आपको, पूरा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, कुल मिला के 1000 से भी ज़्यादा ब्रांड में आपको बताऊँगा जो आप आपके मेडिकल स्टोर में रख सकते हैं और इजीली अवेलेबल है सारी जगह पे। सो इस वर्कशॉप में नॉट ओनली ये मेडिसिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बल्कि आप मेडिकल स्टोर स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन, लोकेशन कौन सा अच्छा होगा, आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करेंगे, किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर में कौन कौन से कंटेंट चाहिए, साथ में एक्सपायरी कैसे मैनेज कर सकते हैं, पेशेंट काउंसलिंग कैसा होगा, हॉस्पिटल कौन सा हॉस्पिटल अच्छा, आप किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, आपका रोज का काउंटर कितना होना चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट मार्जिन कैसे मैनेज करना है, आपको एक स्टोर से 2 स्टोर मल्टीपल स्टोर कैसे बनाए, साथ में ऑनलाइन फार्मेसी से बीट करने के लिए खुद का स्टोर भी आप ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन, इवन रिटेल फार्मेसी चेन के बारे में मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करूंगा। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये वर्कशॉप हर एक फार्मासिस्ट ने ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है जो लोग रिटेल फार्मेसी स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे नंबर प्रोवाइड किया गया, यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कॉल करके, अदरवाइज मेल आईडी भी है, यहाँ पे भी आप इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। बहुत कम दिन बचे हैं और लिमिटेड सीट्स ही है, सो आई होप यू मस्ट टेक अ चांस, आप खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली किसी मेडिकल स्टोर में जाते हो, इवन 6 महीने 1 साल भी काम कर लिया, तो सारी चीज़ें नहीं सीख पाते, लेकिन हमारे वर्कशॉप में मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं खुद दे रहा हूँ, ना कि कोई थर्ड पर्सन दे रहा है, मैं खुद आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लाइव चैट होगी, 1-to-1 टॉक होगा, आपकी जो क्वेरी है उसके अकॉर्डिंगली आंसर भी मिल जाएंगे। सो आई होप ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, वर्कशॉप की इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।